हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का जो व्लॉग है ना, तो पिछले कल व्लॉग पूरा नहीं कर पाई थी, आधा ही रह गया था क्योंकि मेरा फोन बंद हो गया था और मैं वहाँ पे चार्जर भी लेके नहीं गई थी। तो फिर मैंने व्लॉग मतलब ज़्यादा वो कष्ट नहीं किया, मैंने सुबह एडिट करा अभी जैसे और मैंने अपलोड कर दिया फिर। और अभी हम फिर से जा रहे, कल रात को हम घर वापस आ गए थे, हम पहुँचे 11-12 बजे और अभी हम फिर से जा रहे। आज बेबी उसके बाल कट, लक्षू के बाल वगैरह कट करेंगे। बाल वगैरह तो अभी तक कट कर भी दिए बट अभी धाम वगैरह होगी तो हम जा रहे हैं अभी दलितर में। तो फटाफट से तैयार हो जाते हैं, मैं बहुत लेट हो गई हूँ क्योंकि मेरे को फिर टाइम भी लग जाता है तैयार होने में। एक तो हमने मेकअप करेंगे ना, आजकल हमारे पास मेकअप प्रोडक्ट्स है गाइस, इसलिए हम मेकअप करेंगे और दलजीत खाना बना रहे हैं तो मैं तैयार हूँ। तब तक आज मैं पहनूंगी ये वाला रजिस्ट्रा पेटीकोट, सॉरी गाइस, कलर इसका ऐसा समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल रानी पिंक सा मैजेंटा कुछ रेडिश, पता नहीं कैसा कलर है गाइस, मेरे को एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा। फोन में रेड दिख रहा है बट रियलिटी में रेड नहीं है देखना। तो अभी मैं तैयार तो हो गई हूँ बट मैं खुद को इतनी ज़्यादा ओवर लग रही हूँ ना, मैंने बहुत ओवर करा हुआ है। तो मेरे को ना ये मैंने ये पहने कन वाड़े बराबर जो भी बोलते हैं उनको, ये मेरे को अच्छे नहीं लग रहे। तो मैं हल्के से छोटे छोटे टॉप्स पहनूंगी, वो शायद अच्छे लगेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं पता नहीं मतलब कैसे लोग पहन लेते। तो मैंने ये दो चीज़ें पहनी, ये भी मेरे को इतना ओवर लग रहा है। और मम्मी मेरे को बोले थे वो भी पहनो, क्या बोलते चंपक चांपकली चांपकली क्या बोलते उसको, जो आमली जो भी है वो, ठीक है मम्मी बोले थे वो भी। ओ माय गॉड, ये तो इसमें घुस गया, ये कैसे निकलेगा? ओह शिट, इनको पहन के मेरे को ऐसे लग रहा था ना इतनी ज़्यादा ओवर। मुझे सही लग रहा है अब, मेरे को नॉर्मल लग रहा है ये सारी चीज़ें। मैं इतनी काली आ रही हूँ ना, काली हूँ तो काली होंगी गाइस। अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं और ऐसी दुल्हन वाली फीलिंग आ रही है, शायद मुझे इतनी शादी वाले दिन भी नहीं आई होगी। एकदम लाल चटक मड़क एंड ब्ला 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 चूड़ा बूढ़ा। और कंगन मैंने नहीं पहने क्योंकि वो इसके अंदर घुस रहे थे, ढीला ढीला है ना सब कुछ, तो फिर इसके अंदर ही घुस रहे थे। और अभी निकलते हैं। तो अभी हम लोग निकल गए और आज होली भी है, हैप्पी होली गाइस। मैं इतनी ज़्यादा ओवर लग रही हूँ ना, पता नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी हो रही है वहाँ पर, किसी बच्चे का मुंडन नहीं हो रहा, मेरी शादी हो रही है वहाँ पर। इतना ज़्यादा ओवर लग रही हूँ मैं बिल्कुल। मतलब मेरे को दीदी मैंने कल बोला कि भाई तू सब कुछ पहन के क्यों नहीं आई, चूड़ा वगैरह पहन के क्यों नहीं आई, तेरी शादी को एक महीना भी नहीं हुआ, कुछ दिन नहीं हुआ और इतना वो बन गया। तो फिर मेरे को आज लगा ठीक है तो थोड़ा बन के जाते हैं, घर से तो बन कर निकल आ गई, अभी यहाँ पे इतना अजीब लग रहा है ना मेरे को। तो बाहर इतने सारे लोग हैं, मेरे को ऐसे शर्म आ रही है गाइस। ओह माय गॉड, थोड़ी हेलो, ये मेरी मामी है, सबसे बड़े वाले मामी है। ये पीछे वाले पता नहीं कौन है गाइस, ये ऐसे आप इनकी शक्ल देखो यार, ऐसे सब ऐसे बंठन के आए हुए, बिना हाथ मुंह धोए बाल ऐसे देखो यार, बाल तो बनाए हैं कपड़े। ये देखो, हेलो करो, रोती रहती है जब देखो तब। इसका काम इसकी बारी थी। हेलो आनिया, इसने रिश्ता पहना, आनिया दिखाओ जब मेरे रिश्ता। हेलो करो, हाय एमी, आप ही दिखाओ आपने क्या पहना हुआ है। हेलो करो ना, वाओ ये रो रही है, इसके गाइस बाल, इसके बाल गाइस बाल देखो, इसके बाल नहीं वो रहा लक्षु गाइस, बाल काट के कुछ ऐसा लग रहा है, टकली पड़ी नहीं है, इसको घूम रहा है बस अपने बाइक पे। छोटे बच्चा है यार, छोटे बच्चे को क्या ही पता है क्या हो रहा है इसके साथ, कि ये सारा का सारा फंक्शन इसके लिए है। ये देखो और यहाँ पे माता भी आया हुआ है, मैं दिख। तो अभी हम लोगों ने भोजन तैयार कर दिया और ऐसे बैठे हुए अभी सब भी। हेलो यार, ये हेलो बोल रही यार, क्या है वो? एमी को पैर में दर्द हो रहा है तो दीदी उसके पैर दबा रहे हैं, दीदी एमी को खाना खिला रहे हैं, पीछे मामी है और वो लक्ष्मी है और ये मैम, और ये मेरा धाटवर्ड बिस्किट है जो मुझे यहाँ से मिला है। अब हम औरत हो गए तब हमें धाटवर्ड मिलते हैं। बाय बाय, जरूरी है बाहर सब बाय ही बोले, पार्क में मिलेंगे गाइस, बाय बाय। मैं फ्रेंड भाग गई, बीमार है फ्रेंड ने धोखा दिया। अच्छा अच्छा, तो अभी हमारी एकदम मस्त बारिश हो रही है और हम लोग तो जा रहे थे थोड़ा सा आगे तक, बोलते थोड़ा देर घूमे घूमे भी करते हैं और थोड़ा कुछ खा पी के भी आते, तो हम थोड़ा सा आगे बागीपुर तक जा रहे हैं। और
हैं गाइस। वाओ वाओ, यहाँ से थोड़ा सा इधर को गाइस कैसे दिखाऊं? फोन में वो चीज नहीं आ पा रही जो मैं रियलिटी में अपनी आंखों से देख रही हूँ। इतना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये जो मतलब जो ये आपको पहाड़ियाँ दिख रही है ना, ये कौन से श्रीखंड की है ना? श्रीखंड वाला जो एरिया आया उस साइड की है। ये दिख रहा है अभी सामने, ये काली घाटी है। तो यहाँ पहले यहाँ से ऊपर काली घाटी के लिए चढ़ते हैं। पहले ये बताओ श्रीखंड कितनी बार गए हो? 13 बार। और इस बार अगली बार आता है ना? इस बार तो होगी। इस बार कब होती है यात्रा? जुलाई में। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी जाऊंगी, बट पहले ही मेरे को डरा के रखा हुआ है कि तू नहीं चल पाएगी, तू ऐसा करेगी, तू एक हफ्ता लगा के आएगी। ये तो 2 दिन में ही वापस आ गई, 2 दिन में ना। आपके साथ पोर्टल ले जाना पड़ेगा, साथ में सामान उठाने वाले। अब तो फिर तब बोले थे कि बोले तू तो एक हफ्ता लगा के आएंगे, मैं भी जाऊंगी, मेरे को भी बहुत ऐसा है। वाओ। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं बागीपुल। और श्रीखंड कहाँ से आती है पता है? श्रीखंड से मुझे पता है। ओके, कौन से तालाब से? तालाब तो नहीं पता मेरे को, पता कौन से तालाब से आती है? तालाब सॉरी झील, नैन सरोवर झील। अच्छा देखो दोस्तों कहाँ से बन रहा है नया पुल, यहाँ पार से बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब कुछ अजीब सा ही आ रहा है। हेलो हेलो, चुड़ैल बन गई हूँ मैं। और ये लाल परी जो एक दारू का ब्रांड का नाम भी है भाई भाई, ये वो, सबको सब पता हो ना, वो जाती हुई बाकी किसी को पता हो ना कि भाई दारू का ब्रांड है। यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर फ्लावर है ना, ये देखो पर्पल कलर के, येलो कलर के और भी बहुत सारे कलर के। हाँ और मेरे कैमरामैन पता कैसे चले हुए, फोन है ना पकड़ा हुआ, चाहे मैं आ रही हूँ चाहे नहीं आ रही हूँ, मैटर नहीं करती है सारी चीजें। गिरना मत हो ये अपनी अपने हिल्स के साथ, गिरना मत हो कहीं भी जाओ ना, लोग आए लोग आए लोग आए, मैं डालूंगी, मैं सारी चीज डालूंगी, लोग आए बोल रहे हैं। मैं ही बैठी आगे, मैं बैठी पीछे, आगे बैठे मैं बैठी। हाँ चलो बैठो। फाइनली हम लोग घर पहुंचे। कूपर जंप कर कूपर कपड़े गंदे कर रहे, कूपर जंप बेबी जंप खेल रहा है अरे कूपर जंप बाय। मम्मी डैडी जा रहे हैं गाइस आज शादी में, कूपर बाय कर दे बाय। मम्मी मस्त आंसर धज के तो अभी मम्मी डैडी जो है शादी में गए, ये लोग आज शादी में जा रहे हैं, पप्पू भी आज शादी में गए, तो घर में आज हम दो ही हैं। वैसे मन ही नहीं कर रहा है कुछ खाने बनाने का। हम कूपर तो अभी हम थोड़ा सा घर से थोड़ा वहाँ इधर आगे तक जा रहे हैं घूमने करने, दर्जी थे मैं और कूपर गाइस बकरी चुड़ैल सी लग रही हूँ यार, मैंने वो काजल वगैरह कुछ भी नहीं धोया, फेस वॉश नहीं किया, दौड़ी आदि मम्मी डैडी उस वाले गाँव में, वही है ना रेमो? ये मेरे आईडी दिख रहे हैं, इसके भी तो दिख रहे हैं कुछ घर, वो रेमो। अच्छा नीचे जो डाउन में जैसे। हाँ ओके यहाँ भी है फेडू, पर हम लोग निकले वैसे दरअसल फेडू की तलाश में। दलजीत जब मेरे घर आए थे इनको हम मम्मी ने फेडू की सब्जी खिलाई थी तो इनको बड़ी पसंद आई थी, तो अभी हमारे तो मतलब लग गए हैं वैसे उसमें, मतलब हमारे तो ज़्यादा पक गए, मतलब बड़े हो गए और उनकी पत्तियाँ भी काफ़ी बड़ी हो गई, बट इधर अभी काफ़ी छोटे मतलब निकालने के लिए नहीं हुए, हमारे तो ख़राब हो चुके हैं गाइज, तो हम इधर फेडू देख रहे हैं। थक गई मैं, जब मैं ऐसे बनी होती ना मैं लगती ही नहीं कि मैं हूँ, है ना? तो दोस्तों मेरे को ना मतलब कूपर जो है ना मेरी डोरा की कमी पूरी करता है, तो जैसे मैं डोरा को गोदू में चकते रहती थी ना, तो मैं देख रही हूँ इसको उठा पाऊंगी कि नहीं, ये तो तगड़ा ही मोटा है। ओ मेरी कुपी ये तो बहुत भारी है यार, आई 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 ये वो स्कूटी है। कूपर ना मोटा ही जलने वाला बंदा है, देख सभी को जलन होती है, इसको बहुत जलन हो रही है कि भाई मेरे साथ ये हमारे साथ खेल रही है। बस नो
नो कूपर बचो नहीं कूपर नो तो मम्मी डैडी तो घर में है नहीं, तो अभी गाय के पास जाने की ड्यूटी हमारी है। पता नहीं मैंने आज तक कभी भी काउ मिल्किंग नहीं करी है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। गाइस दलजीत मैं नहीं लाऊंगी आपको व्लॉग में, मैं नहीं दिखाऊंगी किसी को। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो से तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे।